दोस्तों, कभी ना कभी तो आपके मन में सवाल जरूर आया होगा कि जो ट्रैक्टर होता है उसमें अक्सर पीछे वाला टायर बड़ा और आगे वाला टायर छोटा क्यों होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी सवाल का जवाब लेके आया हूँ। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रैक्टर में पिछले टायर बड़े लगाने का कारण दरअसल कार या फिर बाइक के मुकाबले ट्रैक्टर कीचड़ या फिर मिट्टी में आसानी से काम करता है। ग्रिप या ट्रैक्शन कम होने के कारण कार और बाइक कीचड़ में फिसलने लगती हैं या फंस जाती हैं, लेकिन पिछले टायर बड़े होने के चलते ट्रैक्टर आसानी से निकल जाता है। ट्रैक्टर में पीछे बड़े टायर लगाने से टायर कीचड़ में धंसता नहीं और अच्छी पकड़ बनाए रखता है। ट्रैक्टर में अगले टायर छोटे लगाने का कारण आगे के छोटे टायर से ट्रैक्टर की दिशा तय की जाती है। ये सीधा स्टेयरिंग से जुड़े होते हैं। स्टेयरिंग को घुमाने पर ही ये घूमते हैं। इनका रोल सिर्फ इतना ही होता है। हालांकि इसका एक और फायदा ये भी है कि छोटे टायर होने के चलते इसे घुमाना भी आसान हो जाता है। इसका मतलब ये है कि मोड़ पर स्पेस कम हुआ तो भी इसे घुमा सकते हैं। इसके लिए सामने की ओर ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा छोटे टायर होने के कारण इंजन पर लोड भी कम होता है और ऐसे में तेल की खपत भी कम हो जाती है।